Hello children, welcome to ASA Education. Today I am going to discuss with you the chapter Who Did Patrick's Homework? English book Tulip series grade 6A. Now before starting the chapter, एक बार जान लेते हैं, क्या किसी को होमवर्क करना पसंद है? आप सभी को होमवर्क मिलता है तो आपको होमवर्क करना अच्छा लगता है? अच्छा, आप लोग जो होमवर्क करते हैं, ये आप खुद करते हैं या किसी की मदद लेते हैं? और होमवर्क आपको कैसा मिलता है? कभी टफ होता है, कभी इजी होता है, हो सकता है कुछ आपकी पसंद का हो, कुछ आपकी नापसंद का हो। चलिए अब अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। Who did Patrick's homework? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक ने अपना होमवर्क कभी नहीं किया, हमेशा वो यही कहता, बड़ा बोरिंग होता है होमवर्क करना। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइंटेंडो इंस्टेड। अब उसको क्या क्या पसंद था? उसको हॉकी खेलना अच्छा लगता था, बास्केटबॉल खेलना अच्छा लगता था और निंटेंडो खेलना अच्छा लगता था। पर होमवर्क जब भी मिलता तो वो हमेशा यही कहता, टू बोरिंग। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग। और उसके टीचर्स हमेशा उससे क्या कहते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। कई और ये बात बिल्कुल सच भी थी, कई कई बार उसे ऐसा लगता जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो अपना को होमवर्क करता ही नहीं था, उसे बड़ा बोरिंग लगता था। और जब भी उससे रिलेटेड कोई बात होती थी तो वो उसको बिल्कुल इग्नोर कर जाता था, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता था उस बारे में। बट वॉट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। पर अब उसकी भी क्या गलती है, जब उसको होमवर्क करना पसंद ही नहीं था, उसे ऐसा लगता था जैसे होमवर्क ना मिले और ना मेरे को कोई कोई कहे कि मैं होमवर्क करूं। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन क्या हुआ? उसने देखा कि उसकी जो cat है, वो जो एक छोटी सी doll के साथ खेल रही है, गुड़िया के साथ खेल रही है। तो उसने क्या किया? झट से वो जो है छीन ली। To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. पर जैसे ही उसने वो गुड़िया छीनी उससे और उसे पकड़ा, तो उसे लगा, अरे ये कोई गुड़िया थोड़ी है, ये तो एक आदमी है और कितना छोटा सा आदमी है। He had a little wool shirt with an old fashioned breeches and a high tall hat much like witch. अब ये जो छोटा सा आदमी था, इसने जो है एक छोटी सी ऊन की शर्ट पहनी हुई थी और जो है बहुत छोटी सी ओल्ड फैशन पैंट पहनी हुई थी, और उसके सिर पर एक बहुत ऊंची सी टोपी लगी थी, जैसे हम लोगों की जो स्टोरी बुक होती है, विच वाली जो स्टोरी बुक होती है, स्कैरी स्टोरी बुक्स जो होती हैं, उसमें विच पहनती है। He yelled, "Save me! Don't give me back to the cat!" तो वो जो आदमी था वो जोर से चिल्लाया, प्लीज 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 मुझे बचा लो, मुझे इस कैट को मत देना दोबारा। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रोमिस यू दैट। और उसने कहा, अगर तुमने मुझे इससे बचा लिया तो मैं तुमको एक विश दूंगा और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हारी उस विश को पूरा करूंगा। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वाज। अब तो पैट्रिक को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि वो कितना लकी है कि उससे एक आदमी बोल रहा है मुझे इस कैट को मत देना, मैं तुमको विश दूंगा। सो ही सेड, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट 35 डेज। If you do a good enough job, I could even get A's. अब पैट्रिक को लगा क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए, और उसने उससे कहा कि ऐसा करो कि तुम जो है मेरा पूरा होमवर्क करोगे, और जब तक पूरा ये सेमेस्टर, पूरा ये सेशन खत्म नहीं हो जाता, तब तक तुम मेरा पूरे 35 डेज तक होमवर्क करोगे। अगर तुमने बहुत अच्छे से होमवर्क किया तो मुझे हो सकता है A भी मिल जाए। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. अब वो जो छोटा सा आदमी था, उसका फेस एकदम से ऐसा हो गया, उसके फेस पे ऐसे शक्ल उतर गई या झुर्री पड़ गई कि जैसे मानो कि हम कोई क्या कहते हैं, जो वो होते हैं ना बास्केट,
जिसमें हम अपने कपड़े जो हैं धोने के लिए डाल देते, तो ऐसे ही घुमर कर सारे कपड़े फेंक देते हैं, तो वैसे वाली शक्ल बना ली उसने। He kicked his legs and doubled his fist and he grimaced and scowled and pursed his lips. अब उस आदमी को पहले तो बड़ा गुस्सा आया, उसको समझ नहीं आया कि इसने क्या विश मांगी है मेरे से, पर अगर मुझे कैट से बचना है तो मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। तो वो जो है अपने कैसे कैसे फेस बना रहा था कि मतलब उसको बड़ा अजीब लग रहा था, उसका मन नहीं था, उसको गुस्सा आ रही थी, पर फिर भी उसने क्या किया, ओ आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट। वो कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी ने कर्स दे दिया हो, लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी है, मैं जो हूं इस लड़के की मदद करूंगा। कि आई विल डू इट एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब तो जैसा उसने कहा था वो काम करना उसने शुरू कर दिया। जो इस छोटा सा आदमी था उसको एल्फ बोलते हैं, ठीक है। अब उसने जो है डेली की डेली पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया, एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। अब यहां पर जो है एक प्रॉब्लम थी, उसका काम तो कर रहा था पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब पैट्रिक ने उसे कहा तुम मेरा होमवर्क तो कर दो, पर ये नहीं बताया कि उसको करना कैसे है। तो क्या होता था, उसको पूरा होमवर्क तो आता नहीं था करना, तो उसमें उसको पैट्रिक की मदद लेनी पड़ती थी। हेल्प मी ही डिड से। अब वो हर वक्त ये कहता रहता प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। अब पैट्रिक को चाहिए था कि उसका होमवर्क हो जाए, इसलिए चाहे वो भी ना चाहे पर उसको जो है उस एल्फ की मदद करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वीक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। अब जो है मेरे को ये इस मतलब वर्ड का मतलब ही नहीं पता, अब मैं कैसे करूं। तो वो क्या करता है, जब भी कुछ रीड करता था या पैट्रिक का होमवर्क को पढ़ाई पढ़ रहा होता था तो उसको कोई वर्ड समझ में नहीं आता था, तो वो फिर फौरन बोलता था आई डोंट नो दिस वर्ड, गेट मी अ डिक्शनरी। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट बाय ईच लेटर। अब वो ये कहता, पहले तो बोलता था अच्छा मुझे डिक्शनरी दो मैं ढूंढता हूँ, फिर बोलता था नहीं उससे ज्यादा अच्छा रहेगा कि तुम वर्ड को ढूंढो और उसको जो है उसकी क्या साउंड है एक एक लेटर की वो मुझे बताओ, तब मुझे समझ में आएगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है।